आजकल के ये तनावग्रस्त जीवन शैली में टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन आना बहुत ही कॉमन बात है। अपने मन जैसा होता नहीं है, अपेक्षा पूर्ति होती नहीं है, एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत रहते हैं और वो पूरे होते नहीं ना, तब अपसेट भी हम हो जाते हैं, बुरा लगता है, डिप्रेशन आता है। तो इस समय क्या करें, उसके बारे में कुछ बातचीत मैं करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, जब आपको लो फील हो रहा है, डिप्रेस लग रहा है, एंग्जाइटी बहुत है, घबराहट हो रही है, होता क्या है कि इस समय बहुत ज़्यादा काम आंग पे आ गया ना, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, तो फिर और टेंशन एंग्जाइटी बढ़ जाती है। जहाँ जहाँ आपको निर्णय लेना है, कुछ तो भी डिसीजन देना है, ऐसे कुछ काम आ गए फिर और ज़्यादा टेंशन एंग्जाइटी बढ़ती है और ज़्यादा डिप्रेशन आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आता है, किसके ऊपर आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे। तो इससे अच्छा आपको पहले अपने आप को नंबर एक रिलैक्स करना पड़ेगा। ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, टेंशन है, डिप्रेशन है, जस्ट सवेरे शाम 10-10 मिनट का रिलैक्स करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, उसे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, निगेटिव विचार जो है, निगेटिव विचार वो बार बार आते रहते हैं और उनको निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय निगेटिव विचारों को निकालने की कोशिश मत करो कि मेरे को ये निकलना चाहिए, उसके तरफ ख्याल देना नहीं है, उसको निग्लेक्ट करना है, उसको बाजू में रखना है और ज़्यादा महत्व देने का नहीं है निगेटिव विचारों को। नंबर दो, अपना ध्यान अच्छी चीज के ऊपर डालो, जो जो आपको अच्छी लगती है। हो सकता है कि आपकी हॉबी है वो आपको अच्छी लगती है, हो सकता है कि कोई मैच चल रही है टीवी के ऊपर वो आप देख रहे हैं, कोई किसी को फ़ोन कर रहे हैं अपने दोस्तों को जिससे आपको अच्छा लगता है ना, कोई कुछ तो भी ऐसे काम में अपना मन डाल दो ताकि आपका डिप्रेशन कम हो जाए। नंबर तीन, खुद पर शक नहीं करना है कि मैं कर सकता नहीं कर सकता। आपने ध्यान लाना, पहले तो मैं कर सकता था, पहले तो मेरे लिए सब संभव था, अभी ऐसा हो गया ना, तो ठीक है, ये प्रॉब्लम है डिप्रेशन का, ऐसा समझकर खुद के ऊपर शक नहीं करने का है, खुद के ऊपर विश्वास करने का है। नंबर चार, खुद को प्रोत्साहित करने का है। आपको प्रोत्साहित करने वाला आपसे दूसरा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, तो यू फेक इट टिल यू मेक इट, ऐसा बोला जाता है। मतलब आप नहीं भी अच्छा लग रहा है, लो भी फील कर रहा है, तो आपने फेक करना है, अरे क्या मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मैं उत्साहित हूँ, मतलब ऐसा प्रोत्साहित करना है खुद को। प्रोत्साहित करने वाली कोई वीडियो देखो, प्रोत्साहित करने वाले लोगों के साथ में मिलो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो डिप्रेशन है ना, तो ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, वहीं के वहीं उसको रोकथाम लग जाएगी और आप खुद को कंट्रोल कर सकेंगे। अब इसके ऊपर दवाई है, एंटी डिप्रेशेंट्स आप लेते हैं, मुझे एंटी एंग्जाइटी ट्रीटमेंट लेते हैं, एंग्जियोलाइटिक्स लेते हैं, तो बहुत अच्छा है, उससे फ़ायदा तो होगा ही होगा। मगर इसके साथ में ये बातें, ये चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा और डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, नंबर एक, एक तो रिलैक्सेशन थेरेपी करो, हिप्नोसिस करो, मेडिटेशन करो, जो भी आपको अच्छा लगे। नंबर दो, निगेटिव विचारों पर फोकस मत करो, जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना वो बढ़ेंगे। नंबर तीन, अच्छे चीज पर ध्यान रखो। नंबर चार, खुद पर शक मत करो, खुद के ऊपर विश्वास करो कि मैं कर सकता हूँ, मुझे पॉसिबल है, मेरे लिए संभव है। नंबर पाँच, खुद को प्रोत्साहित करो। ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिप्रेशन से बाहर आने में फ़ायदा होगा। इसके अलावा दवाई तो है, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, आरईबीटी है, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं और साइकोथेरेपी है जिससे आप अच्छा हो सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत समय चले जाता है। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।